मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में सोमवार को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने सभी प्रशिक्षकों को निर्देशित किया कि वह लोग आशा और ANM के जरिए एनीमिया के बारे में समुदाय को जागरूक करें। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि एनीमिया की समस्याएं किशोरी, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खासतौर से पाई जाती हैं। इस बीमारी का उन्मूलन नितांत आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, एनीमिया मुक्त भारत का एक अभियान चलता है और वो हमारे जनपद में भी चल रहा है। उसी की एक सेंसिटाइजेशन मीटिंग आशा, आंगनबाड़ी, CDPOs इनके साथ एक और मेडिकल ऑफिसर्स की आयोजित की गई थी। आप सभी को मालूम है कि एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ास करके जो हमारे गांव की प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, धात्री महिलाएं हैं, एडोलिसेंट गर्ल्स हैं, उनमें अक्सर एनीमिया पाई जाती है। एनीमिया के तो बहुत सारे कारण हैं, पेट में कीड़ा हो तो भी एनीमिया हो जाती है, कैंसर हो तो भी एनीमिया हो जाती है, अन्य बीमारियां हैं ब्लड की जिसमें एनीमिया हो जाती है। परंतु ये जो ग्रुप है, धात्री महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और हमारी एडोलिसेंट गर्ल्स, इनकी एनीमिया थोड़ी सी खानपान और लापरवाही की वजह से होती है, जिसे हम बहुत सामान्य तरीके से ठीक कर सकते हैं। सिंपल आयरन की गोलियां या आयरन का सिरप देके और उसके साथ फॉलिक एसिड देके, और उसको कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है कि कैसे खाना है, ये सब चीज़ें डिटेल में बता के, पौष्टिक आहार क्या उसे लेना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट है, किस में आयरन ज़्यादा मिलता है, ये सारी चीज़ें बताते हुए, साथ में उसका चेकअप करते हुए, एंटीनेटल चेकअप में जितनी जांचें होती है वो करते हुए, हम उनको एनीमिया से बचा सकते हैं, जिससे कि उनका सुरक्षित प्रसव होगा और जो चाइल्ड पैदा होगा वो भी सुरक्षित और हृष्ट पुष्ट ठीक ठाक वजन का पैदा होगा। माताएं अगर एनीमिक होती हैं तो बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि डिलीवरी के दरमियान ही अगर थोड़ा सा अधिक ब्लीड कर गई तो उनकी डेथ तक हो जाती है। तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए सरकार ने एक नारा दिया है, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया से भारत को मुक्त करने का। उसी संदर्भ में आज एक कार्यशाला का आयोजन प्रेरणा श्री सभागार में किया गया था, मैं गया था उसमें।